मॉर्निंग एवरीवन, सो कैसे हैं आप सर। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूँ, नए नए स्पेल्स लेकर आता हूँ, नए नए स्विच वर्ड्स एंजल नंबर्स लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके एक पार्टनर जिनके साथ आपका पहले बहुत प्यारा बहुत एक बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप चल रहा था, उसको अचानक से क्या हो गया है कि कुछ टाइम से अचानक से आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, आपसे पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू हो गए हैं, आपको इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसा क्यों हुआ है। तो आज यही सब जानेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान। आज क्योंकि मेरे पास काफी दिनों से रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग अब क्यों नहीं करते, आप प्लीज कैंडल वैक्स रीडिंग कीजिए, वो चीजें बहुत ज्यादा रेजोनेट होती है हमसे। तो आज मैं इसलिए उन्हीं सभी लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, उनके साथ ऐसा अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि उनके बिहेवियर में इतना डिजास्ट्रिक चेंज आ गया है, ठीक है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। यदि आपको रीडिंग में कुछ भी डाउट्स यदि रहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, तो आप उसके लिए हमसे डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से की जाती है। और यदि आप कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेने चाहते हैं हमसे जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आप तक भेजे जाते हैं, तो आप वो भी हमसे लेने के लिए डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए जब तक मैं कैंडल लाइट करता हूँ तब तक अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए मन में सच्चे भाव से कि जैसे आप दोनों साथ में हो, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हो। तो वो चीज आपको विजुलाइज करनी है ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो कि आप पूछना चाहते हो अपने पार्टनर से, बट अभी डायरेक्टली आप यूनिवर्स से क्वेश्चन डाल रहे हो ताकि वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और उन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए इसमें। ओके, डिवाइन पावर है यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस आए हैं कि ये सब करने पर मजबूर हुए हैं वो। ओके अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और वो, हो सकता है कि आप दोनों एक सेम वर्क स्टेशन पे हो सकते हो, या आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप रोज मिलते हो या आप रोज एक दूसरे को देखते हो, कुछ ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है जो चीज यहाँ साइन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वैक्स में। और आप दोनों का बॉन्डिंग ना बहुत पुराना है, आप समझो काफी साल से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप दोनों ने कभी दूसरे को अपनी फीलिंग्स ऐसे एक जैसे होते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फीलिंग शेयर नहीं करी है, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड आपस में इतना मजबूत बॉन्ड है कि आप दोनों की बातें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे, एक दूसरे से बहुत फीलिंग आपस में अटैच थी, भले आप एक दूसरे को दोनों चीज बोले ना बोले लेकिन आप दोनों अपनी बातें शेयर जरूर किया करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे अभी कई दिनों से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके बीच में, प्रॉब्लम्स किस सेंस में कि लाइक आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हुए हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे थोड़ा सा, जिसके कारण आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। क्लैरिटी किस सेंस में, आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, आपने जैसे कुछ किया नहीं तो ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज का डाउट दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो वो चीज सही है नहीं, बट आप वो चीज देखना अगर आपसे वो चीज रेजोनेट होती है, क्योंकि मुझे उसकी ना बहुत ज्यादा इंट्यूशन ऐसी हो रही है। देखो यहाँ पे कैंडल भी देखो, वैक्स यहाँ पे एक जगह जमा होता जा रहा है, फैल नहीं रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या कि हो सकता है कि आप अपनी बातें जो अपने पार्टनर के साथ आप बातें करते थे या जो आप उसके साथ फील करते थे, जो आपके अंदर फीलिंग थी अपने पार्टनर के लिए, कहीं ना कहीं आप अपनी सारी गाथा किसी और को भी बताते हो। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है जो कि आपकी बहुत क्लोज है, पॉसिबिलिटीज ये भी है कि वो फ्रेंड भी आपके साथ सेम वर्क सेशन पे हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि आप और आपकी जो फ्रेंड है जिसके साथ आपका अटैचमेंट है वो दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है, वो आपके जो पार्टनर है उसे भी जानती है और आपकी तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है ही वो, और आपने मुझे ऐसा शो कर रखा है
कि आपके मन में उस आप उसके उस अपने पार्टनर के लिए क्या चीज सोचते हो, उसके लिए कैसा फील करते हो, वो सब चीजें आपने अपने फ्रेंड को बता रखी हैं। आप उसे डेली की बातें शेयर करते हो, आप घंटों घंटों आपस में बातें करते रहते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते हो अपनी फ्रेंड से कि आज ये बातें हुई हैं, आज वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, मेरे मन में उसके लिए ये है, आप उसके लिए ये करोगे, आप उसके लिए वो करोगे, कहीं ना कहीं आप ना अपनी हर फीलिंग उसको एक्सप्रेस करते हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपने अपने पार्टनर के बारे में अपने फ्रेंड को बताया या अपने फ्रेंड को बताया है, कहीं ना कहीं बातों से ही वो आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड ना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू इनडायरेक्टली ना अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो उनके मन में ना अब जिसे कहते हैं ना कि एक जेलस से ज्यादा हो रहा है कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ रही है। अब क्या है कि उनके लिए जो फीलिंग आपके पार्टनर के लिए आई है ना मन में, आपकी फ्रेंड के मन में, कहीं ना कहीं अब वो डायरेक्टली आपके पार्टनर को अप्रोच कर रही है, या तो अप्रोच करने के बाद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपसे यंगर हो सकता है, ठीक है, बट इन ए सीनियर पोस्ट, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसको फिजिकली अट्रैक्ट कर रही है, या अपने जैसे कहते हैं ना अपने हुस्न से अट्रैक्ट करना, कहीं ना कहीं वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा एक क्लियर वे में बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बताई हुई बातों से कहीं ना कहीं आपकी ही जो फ्रेंड है आपके पार्टनर को आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही हो, आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच हो जाओ। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि जो भी आपके बीच में गैप्स आए हैं ना, ठीक है, वो गैप आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसने जिसके ऊपर आपने अपने से ज्यादा ट्रस्ट किया, जिसने जिसके ऊपर आपने अपने से ज्यादा विश्वास किया, अपनी हर बातें उसे शेयर की, अपनी फीलिंग शेयर करी, आपके मन में उसके लिए क्या है, उसके मन में आपके लिए क्या है, आप क्या बातें करते थे, क्या प्लान बनाते थे जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, आज कि आप पूरे दिन उससे क्या बातें करते, हर चीज आपने उसे ए टू जेड अपने फ्रेंड से हर चीज शेयर करते हो, जो कि एक जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा ब्लंडर है, यदि आपने ऐसे किया है ना सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। आप समझो यदि आप किसी लेडी को किसी फ्रेंड को अपने पार्टनर के बारे में हर चीज बता रहे हो ना, तो आप इनडायरेक्टली अपने लिए ही कुआं खोद रहे हो, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। स्पेशली तब जब आपके पार्टनर आप और आपकी फ्रेंड सेम जगह पर हो, आप समझो कि आप इनडायरेक्टली सामने वाले पर्सन की जो आपके पार्टनर है आप उसकी भी सारी वीकनेस उसे बता रहे हो, अपनी भी सारी वीकनेस उसे बता रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या, उसको हर चीज पता है। तो उसके लिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, और वो इजी हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की वीकनेस वो लेडी जान चुकी है जो आपकी बेस्ट फ्रेंड रही थी, जिसके ऊपर आपने आंख बंद करके ट्रस्ट किया था कि ये दुनिया जहां इधर से उधर हो जाए लेकिन ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगी या कभी नहीं छोड़ेगा, और उसी ने ही आज आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है विश्वासघात किया है आपको एक ट्रस्ट में लेकर, आपके साथ इतने सालों से है वो। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी और आपके फ्रेंड की कहीं ना कहीं दोस्ती में दरार आती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत होती है आज भी आपकी, लेकिन अब उस वे में बातचीत नहीं होती, आपने अपनी बातें छुपाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब छुपाने से क्या फायदा, अब छुपाने से फायदा ही नहीं है क्योंकि आपने हर चीज उसको बता दी। अब लेकिन अब हो क्या रहा है आपके साथ, आपके पार्टनर का जो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन था ना, वो अट्रैक्शन कहने के शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन उस शिफ्टिंग से जो आपके अंदर एक एंजाइटी हो रही है ना, स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है, तो वो एक अनबियरेबल चल रहा है अभी आपके अंदर। मैंने आपको बताया कि सेम वर्कस्टेशन पे हो सकते हैं, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम वर्कस्टेशन के साथ साथ आप ऐसे भी हो सकते हैं, आप सेम जिम में जाते हो, सेम जगह कोई ऐसी हो जो कि आपका आप डेली मिलना जुलना होता हो, आप घर के आसपास रह सकते हैं, कहीं आपके डांस क्लास हो सकती है, आप ही कहीं कुछ भी हो सकता है जहां पे आप दोनों तीनों का मिलना डेली बेसिस पे होता है। और जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी बखेड़ा खड़ा हुआ है ना, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिलेशनशिप में आए हैं, ये कि आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते, वो पुरानी जैसी बातचीत नहीं रही है, अब ज्यादा बिजी शो करते हैं, आपका फोन नहीं उठाते, मैसेज देखकर सीन करके अनसीन कर देते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको ब्लॉक कर दिया हो, तो वो रीजन सिर्फ आपकी बेस्ट फ्रेंड है जिसने सारी बाजी मार ली है। और वो मुझे ऐसे भी कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आपकी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो फ्रेंड है
वो हो सकता है कि डाइवोर्स हो सकता है सेपरेटेड हो, ठीक है। अगर आप लिव इन में हो, आप नॉर्मल एक बैचलर्स हो, शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो। ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। और वो लेडी उसको सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, एक फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने हुस्न से अट्रैक्ट करना, और वो सिर्फ ये चाहती है अपने लाइफ में आगे बढ़ना। उसका एक एम है लाइफ में कि मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए रेडी रहेगी। अब चाहे फिजिकली हो, चाहे उसको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी तरफ अट्रैक्ट, अपने आप को अपनी तरफ कर रही है और उसको फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। उसको सिर्फ एक पैसे से मतलब है, अपने प्रमोशन से मतलब है। अगर सेम वर्क स्टेशन पे है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके सीनियर पोस्ट पे हो, भले ही यंगर हो लेकिन सीनियर पोस्ट पे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने एम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके लिए वो आपके खिलाफ, अपने जो जिसके साथ अटैच हुई है, उसके दिमाग में आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें भड़का भी सकती है कि ये ऐसी आपके बारे में ऐसे बोला करती थी, आपके बारे में वैसे बोला करती थी, जो बिल्कुल बेतुकी बातें रहेंगी, जो आपने नहीं भी बोली ना, वो चीजें भी आपके पार्टनर के कान में डाली जाएंगी कि हाँ ये ऐसे करती है, आपको यूज कर रही थी, समथिंग लाइक दैट है, कुछ भी ऐसा। लेकिन मुझे एक चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पे, ये जो रिलेशन उसने बनाया है ना, ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है, लेकिन ये एक कार्मिक रिलेशनशिप रहेगा। इट्स नॉट ए सोलमेट कनेक्शन, इट्स नॉट ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जो आपके पार्टनर के साथ थर्ड लेडी ने, सेकंड लेडी ने बनाया है ना, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। जैसे ही उसका एम कंप्लीट होगा, वो ऑटोमेटिक आपके पार्टनर को खुद छोड़ देगी, नहीं तो आपके पार्टनर खुद छोड़ देंगे जैसे उन्हें रियलाइज होगा ना जस्ट शी इज यूजिंग हिम, तभी वो आपके पार्टनर उसके तुरंत से वहां से उसके हट जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को लेके वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करे जैसे उसके और उसके बीच में कुछ है ही नहीं। आपसे बात भी कर सकती है तरीके में कि हाँ उसको ऐसा ना लगे कि उसने आपके आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर को छीन लिया है, कुछ ऐसा भी आपके सामने ऐसे प्रिटेंड कर सकती है। बट शी इज ए काइंड ऑफ लेडी, काइंड ऑफ जिसे कहते हैं बहुत नेगेटिव लेडी, जो कि आपके खिलाफ हर तरीके से आपके पार्टनर को भड़का रही है। लेकिन यदि मैं, अगर आपका क्वेश्चन मन में है कि क्या ये वापस दोबारा हमारा रीयूनियन होगा, जी हाँ 100% होगा। क्योंकि यहाँ मुझे चीजें बहुत सारी ऐसी दिखाई दे रही हैं, ऐसे साइंस कहीं बने हैं जहां पे कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि रीयूनियन तो कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो आपने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इवन आपके लिए भी बहुत ज्यादा एक शॉकिंग रहा है ये कि आपने जिसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, आपने अपना समझ के जिसको अपनी सारी बातें बताई, उसी ने ही आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस भी देना चाहूंगा आपको, यदि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो अपना कोई ब्लड रिलेशन भी हो ना, वहां पे भी अपनी बातें क्लियरली अपने हर एक के सामने नहीं रखनी चाहिए। कुछ नहीं पता कब कोई इंसान सांप का रूप ले ले, कब कोई इंसान आपके दगाबाज हो जाए अपने अपने मतलब के लिए, कुछ नहीं पता आजकल के टाइम में। और यहाँ पर तो मुझे क्लियर चीज दिखाई दे रही है कि जो आपका सबसे अपना सगा बनता था ना, या बनती थी, जिसने आपके साथ, समझो कि आपके साथ बैठ के खाना खाया है, जिसने एक थाली में खाना खाया है, उसी ने ही उस थाली में छेद किया है, आपको आपके पार्टनर से डिटैच किया है और अपना पत्ता कहीं ना कहीं वहां पे उसने सेट किया है। ये चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। और अभी आपकी करंट एनर्जी अगर मैं आपकी बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ा हुआ है इस समय कि आपका फोकस काम पे नहीं हो पा रहा, आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता, आप बस मन करता है मैं उस नौकरी छोड़ दूं, ऑफिस छोड़ दूं, क्योंकि आप वो चीज ना वहां देख नहीं पाते। वो डेली मिलते हैं आपस में मूवमेंट स्पेंड करते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन दोनों के बीच में ना कुछ नजदीकियां बढ़ भी चुकी हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपके पार्टनर का अट्रैक्शन ना एकदम से ही उसकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये चीज तभी होती है जब सामने वाला पर्सन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ फिजिकल उनके बीच में हो चुका होता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उस लेडी ने उसको अपनी तरफ काफी हद तक अट्रैक्ट कर लिया है, और अभी पूरे जाल में, जैसे कहते हैं ना, आपके पार्टनर उसके पूरे जाल में फंस चुके हैं अभी, जिसके कारण आप वो चीज देख नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश भी करते हो कि मेरे को जो उस चीज का फर्क ना पड़े, लेकिन आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हो। आप ऑफिस में रहते हो, आप वो चीज देखते हो सामने सामने, तो आपके अंदर ना एक जेलस, जिसे कहते हैं ना भरपूर जेलस, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप वो चीज सहन नहीं कर पा रहे हो, आप वो चीज झेल नहीं पा रहे हो कि ऐसा हो क्यों गया, आप वो मोमेंट्स नहीं निकाल पा रहे हो अपने दिमाग से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप के अंदर स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा कामनेस होने की जरूरत है, आपको थोड़ा काम लेने की जरूरत है यहाँ पे।
ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, 3 से 4 महीने, 4-6 महीने चलेगा, उसके बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। आखिर में आके उस इंसान को रियलाइज भी हो जाएगा कि जो रिलेशन एक आपके साथ है वो एक प्योर रिलेशन था। भले ही आपके रिलेशन का फ्यूचर आगे हो ना हो, लेकिन एक जो फ्रेंड जोन होता है ना, आप चाहते हैं भले कुछ आगे हो ना, लेकिन ये इंसान मेरे से फ्रेंड जोन में तो रहना चाहिए था। इसने जो इतना बड़ा धोखा मेरे को दिया है ना, कि अपना नजदीक लाकर, इतना क्लोज लाकर उस इंसान ने जो आपका साथ छोड़ा है ना, आपको वो चीज नहीं झेली जा रही है। खास तौर से आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके थ्रू और आपके जो पार्टनर है उसके थ्रू आपको समझो धोखा दोनों तरफ से मिल गया। आपकी फ्रेंड ने जो दिया ही दिया, साथ में आपके जो पार्टनर है उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया आपको। कहीं ना कहीं चीजें दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे यहाँ पे चीजें दोबारा से सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा। तब तक अपने आपको पेशेंस में रख सकते हैं, अपने आपको शांत रखिए। हो सके अगर आपका स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो अपने हाथ में आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। इससे आपके अंदर जो स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाले 5 से 6 महीने बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपकी। तो थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में है वो हट जाएगी और आपके पार्टनर फिर से आपके साथ यहाँ पे अटैच होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर सी गाइडेंस मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा। तो कोई भी अपना आपको रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा हो ना, कभी भी उसको किसी के सामने शो मत करो। नजर एक बहुत बुरी चीज होती है, नजर अच्छे भरे हरे भरे पेड़ को सुखा दे, आप तो फिर इंसान हो। अपने आप को इतना लोगों के सामने मत लेकर आओ कि लोग आपको देखकर जेलस फील करें। और समझो आपको लगता तो है मैं लोगों को जेलस फील कराऊंगी, मेरा रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है, आप इतने लाइफ में ग्रो करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। तो कभी भी लोगों के सामने अपना ऐसा रिलेशन मत लेकर आओ, ताकि आपका रिलेशन बचा रहे और आपको एक हेल्दी रिलेशन मिल पाए। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे जरूर, ये कन्फर्म है। जिस रिलेशनशिप में अभी वो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, जिसका एंड बहुत जल्द होगा, क्योंकि वो जो थर्ड लेडी है ना, सेकंड लेडी जो आपके बीच में आई है, वो बहुत जल्द चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगी कि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट उसे मिल पाए, और वहीं पे वो मात खाएगी। ठीक है, तो एंड में क्या होगा, एंड आपके साथ ही है, उसका रिलेशन आपके साथ ही रहेगा। वहां तो थर्ड पार्टी बीच में जो है, सेकंड पार्टी बीच में आई, वो हट जाएगी, आना उसने आपके साथ ही है। तो लेकिन ये ब्लंडर जो आपने किया है आगे से जिंदगी मत करना। मैं एक नॉर्मल राय भी दे रहा हूं, कभी भी रिलेशनशिप के बारे में, अपना अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो तो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी होती है चीजें। ये कुछ नहीं पता कौन बंदा आपके पीठ पीछे छुरा फोक दे और आपके रिलेशनशिप को खत्म कर दे। ठीक है, रिलेशनशिप आपका हर हाल में रीयूनियन आपका होगा ही होगा, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा लग सकता है, 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है, आई नो दैट, मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए उतना ही उसको रिकवर करना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ अभी आपके लिए एक ही सजेशन है, हो सके अपने हाथ में क्लियर कॉर्ड्स हैं तो एमेथिस्ट पहन के रख लीजिए, जिससे कि आपके अंदर स्ट्रेस लेवल कम हो पाए और अपने आप पे फोकस कर पाए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक करियर इम्पैक्ट डाल रहा है इस चीज पे, ये चीज आपके उस पर करियर इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको चाहते सब चीज सही करना तो नॉर्मल मैंने रेमेडी बता दी, ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, जॉब नहीं छोड़नी है, यहाँ पे रहेगी आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, पैसा आगे अच्छा बनेगा, लेकिन कुछ टाइम पीरियड एक फेज आया आपकी लाइफ में, उसको निकाल लीजिए बस। आगे आपकी ग्रोथ भी यहाँ पर है, और ये रिलेशन जो आप बोल रहे हो ये भी एक फ्रेंड जोन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहेंगे, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई, आई थॉट आज की रीडिंग काफी लोगों से रेजोनेट हो सकती है। तो इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।